क्या हस्तमैथुन से लिंगा आकार छोटा हो सकता है? चलो आइए इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। कभी लोग मेरे पास में आते हैं, बोलते हैं कि हमको लिंग का आकार बढ़ाने का है, मतलब लंबाई बढ़ाने की है, और लंबाई उनको लगता है कि बहुत छोटी है। उनको ऐसा लगता है कि जब वो कॉमन प्लेसेस पे जब यूरिनल को जाते हैं, पेशाब करने को जाते हैं, तब बाकी लोगों का जब वो लिंग देखते हैं तो उनको लगता है कि उनका बड़ा है, अपना छोटा है। फिर कभी कभी उनको उनके दोस्त जो है वो चिढ़ाते हैं, और वो चिढ़ाने के बाद में उनको और मानसिक अशांति हो जाती है और उनका सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है कि देखो उसका लिंग बड़ा है, मेरा छोटा है। फिर वो एट्रीब्यूट करते हैं कि हस्तमैथुन की वजह से हुआ क्या, क्योंकि हस्तमैथुन बहुत कॉमनली लोग करते रहते हैं, और हस्तमैथुन से मेरा लिंग छोटा हो गया करके उसको ऐसा लगने लगता है। वो हरदम लोगों से कंपेयर करते जाता है बाकी लोगों से। मैं काफ़ी लोगों को जब मेरे पास में आते हैं उनको एजुकेट करता हूँ, काउंसिल करता हूँ, उनको बताते रहता हूँ, उनको मेरे वीडियोस देखने के लिए बोलता हूँ, और तभी भी अभी इतने दिनों में एक दो तीन पेशेंट ऐसे आए कि भाई उनका लिंग की लंबाई छोटी है और वो उनको बड़ा करने का है। मैंने उनको पूछा, देखा, तपास लिया, तो उनको मैंने बताया कि भाई आपका लिंग का जो साइज़ है, लंबाई जो है, वो छोटी नहीं है, क्योंकि एक इंच से यदि कम है लंबाई तो फिर हम उसको बोल सकते हैं कि वो कम है। एक इंच मतलब इतना, मतलब आपकी इतनी, इससे भी कम है क्या लंबाई? बोले नहीं, इससे कम तो नहीं है। मतलब देखो नहीं छह गिनो। अच्छा, गोलाई जो है इससे कम है क्या, जो छोटी उंगली इससे? नहीं। बोले इससे भी नहीं। फिर आप कंपेयर क्यों कर रहे हो? ऐसा एक 6 फुट वाला इंसान जो है और एक 4.5 फुट वाला इंसान है, इसमें कौन एबनॉर्मल है? कोई एबनॉर्मल नहीं है। 6 फुट वाला भी मतलब नॉर्मल, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। 4.5 फुट का भी है, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों भी अच्छे जीवन जी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो फिर यहां दिमाग का प्रॉब्लम है। लोगों में अज्ञान बहुत है, उनको लगता है कि नहीं, ज्यादा लंबाई रही तो फिर ज्यादा सुख मैं मेरे पत्नी को दे पाऊंगा। जब वो पॉर्न वीडियोस देखते हैं और वो इजीली अवेलेबल है, गूगल पे आप जाओ, सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, पॉर्न वीडियो आपको लगे उतने साइट्स मिलेगी, और उसमें जो लिंग की लंबाई बताई गई है वो बहुत ज़्यादा बताई जाती रहती है, और 15-15 मिनट, आधा घंटा वो सेक्स करके करते हुए बताया जाता है, और उससे फिर लोगों को बहुत इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि मैं कुछ तो भी कम हूँ, मेरा उतना लंबा नहीं है और मेरे में कुछ तो भी कमी है। लेडीज़ भी वो देखते रहते हैं, और जब महिलाएं लड़की भी देखती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड को या अपने पति को बोलती है, देखो तुम्हारा उतना लंबा नहीं है और मुझे उतनी मजा नहीं आ रही। एक्चुअली क्या है कि वजह ना, योनि जो है उसका आउटर 1 इंच जो है तो उसमें ही सेंसेशन रहता है, अंदर सेंसेशन रहता नहीं। मतलब लिंग कितना भी लंबा रहा और अंदर पूरा वजह ना में गया, योनि में गया, और समझो उनको पूछा औरत को कि भाई कितना लंबा है, तो बोलेंगे 1 इंच है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि अंदर कितना गया, अंदर सेंसेशन रहते ही नहीं। तो 1 इंच भी रहा तभी वो बोलेंगे 1 इंच है, और 4 इंच रहा तभी बोलेंगे वो 1 इंच है। तो फिर सवाल कहाँ आता है कि भाई सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक्चुअली औरत को सुख जो मिलता है वो बाहरी जो हिस्सा रहता है योनि का 1 इंच का, वहाँ स्टिम्युलेशन से मिलता है, और उससे भी ज़्यादा जो क्लाइटोरिस है, योनि लिंग है, उसको स्टिम्युलेट करने से औरत को बहुत ज़्यादा सुख मिलता है या एक्साइटमेंट आता है या क्लाइमेक्स आता है। तो फिर फोरप्ले में जब काम क्रीड़ा करते हैं तो उस समय यदि अपने पार्टनर को, क्लाइटोरिस को यदि स्टिम्युलेट किया तो उसको बहुत ज़्यादा मजा आ जाएगा। लंबाई का उससे कोई वास्ता नहीं है। तो ये मैं जब लोगों को बताता हूँ तो भी फिर वो कुछ जो ऑब्सेसिव लोग रहते हैं, नहीं आप वो कुछ भी बोलो मगर देखा था तो बताओ इलाज कि जिससे मेरा लंबा लिंग हो सकता है। फिर मतलब उसके लिए भाई ऑपरेशन है, ऑपरेशन करो, जो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि वो आपको हुआ ही कुछ नहीं है। ऑपरेशन करके वो इंडियन एक तो मिलेगा पेनाइल इम्प्लांट, या फॉरेन का मिलेगा, 1.5-2 लाख रुपये खर्चा हो जाएगा, और उसमें भी आपको कोई गारंटी नहीं है, और इतनी नाजुक जगह है वहाँ ऑपरेशन करना मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ऐसा कोई प्रॉब्लम ही है नहीं। तो फिर आप ऐसा करो कि आप आपके गर्लफ्रेंड को लाओ, या आपकी पत्नी को लाओ, या जिसके भी साथ आप सेक्स करके उनको लाओ, उनका मैं एजुकेशन करूँगा, काउंसिलिंग करूँगा। क्योंकि प्रॉब्लम जो अभी मेरे पास में लड़का आया था, उसकी गर्लफ्रेंड जो थी उसके साथ में वो शादी करने वाला था, अटका हुआ मामला ये था कि वो बोलती थी कि मुझे
इतना जितना चाहिए उतना तुम्हारा लंबा लिंग नहीं है, तो वो पहले आप करो, बाद में फिर मैं शादी करूंगी, क्योंकि मुझे उससे सुख ही नहीं मिलता। अभी ये जो है ये एजुकेशन करने का कार्यक्रम है। बोले कि अभी ये मेरी होने वाली पत्नी है, ये बोलती कि तुम्हारा लिंग उतना लंबा नहीं है जितना चाहिए, और अभी मैं शादी वो करने को तैयार नहीं, अब मैं क्या करूँ। तो मतलब भाई उसको लाओ। बोले नहीं, अभी तो शादी भी होने की है तो वो कैसे आएंगी, वो तो आएंगे नहीं, और घर के लोगों को मालूम नहीं है कि हम हमारा अफेयर है करके। तो ऐसे इसमें सब पूरा एजुकेशन का ही प्रॉब्लम है। एजुकेशन होना जरूरी है ताकि काफ़ी सारे संसार जो है ना उद्ध्वस्त होने से बच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे शादी के बाद भी लोगों को प्रॉब्लम आते हैं, अज्ञान है, फिर दोनों में अनबन होती रहती है पति पत्नी में, क्योंकि मालूम नहीं है एक्साइटमेंट लेडी को कैसा करना, ये जेंट्स को मालूम नहीं है, आदमी को पुरुष को मालूम है कि स्त्री का एक्साइटमेंट कैसे करना, और वो एक्साइटमेंट होता नहीं करके वो ना बोलती है सेक्स करने के लिए, या उसको चिढ़ाती है, या उसको उससे उल्टा पुल्टा बोल देती कि उसको मज़ा नहीं आता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स काफ़ी आते रहते हैं लोगों का। एजुकेशन होना जरूरी है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सभी सुखी परिवार के लिए हर शादीशुदा आदमी को ये वीडियो आप शेयर करो, हर बड़े व्यक्ति को ये वीडियो शेयर करो, ताकि उनको पता लगेगा कि भाई एक्चुअली सेक्स लाइफ होता क्या है, सेक्स एजुकेशन में लिंग का आकार कितना होना चाहिए, उसका क्या मायना रखता है। यदि लोगों ने समझा, जाना, पहचाना, तो लोगों का जीवन अच्छा हो सकता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि एक आने वाली जो पीढ़ी है वो अपना जीवन सुखी समृद्ध जी सकेगी। थैंक यू वेरी मच।